हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सी ए मोहम्मद मेमन। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रिड ट्यूटोरियल्स। हम लोगों ने एक नई सीरीज की शुरुआत की, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जिसमें हम लोग आपको 11th के 12th के रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स देंगे। ठीक है, ये लेक्चर अगर आप में से कोई भी सुन रहा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहला मेरा एक लेक्चर हुआ है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के ऊपर, उसमें बेसिकली मैंने पूरा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि बुक कीपिंग होता क्या है। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप वो लेक्चर देखें, फिर ये लेक्चर देखें, ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। और जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर देखा है और ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने उसमें सब कुछ कवर अप किया है, लेकिन पॉइंट वाइज फिर से हमें सिलेबस के हिसाब से कवर करना। तो जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, ये सब कुछ आपके मेरे पिछले लेक्चर में कवर्ड है। आप मेरा पिछला लेक्चर सुने तो आपको ये सब कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लेट अस बिगिन। शुरू करने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, छोटा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ मैं, जो इधर आ जाएगा आपके लिए। आपके सब्जेक्ट का, बीके सब्जेक्ट का सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, इसमें मैंने आपको उस दिन क्या पढ़ाया था, आज 2022 चल रहा है, ईयर 1494 में एक इटालियन मर्चेंट मतलब कौन होता है, बिजनेसमैन, एक इटालियन मर्चेंट ने, जिनका नाम था लुका डी बार्गो पैक्योली, उन्हें इंट्रोड्यूस किया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा बोलना सिर्फ क्या है, आपको 1494 से सिस्टमैटिकली बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की शुरुआत हुई। इसके पहले भी अकाउंट्स लिखे जाते थे, इसके पहले भी बुक कीपिंग होता था, राजा महाराजाओं के टाइम भी होता था। आपके टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा हुआ है कि एक आचार्य थे कौटिल्य, ठीक है, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, और उसे देसी नामा भी बोला जाता है, और सॉरी अर्थशास्त्र किताब लिखी हुई है, उसमें अकाउंट्स के बारे में लिखा गया है। तो जमाने से हमारे यहाँ पे अकाउंट्स चले आ रहे, राजा महाराजों के टाइम पे भी अकाउंट्स मेंटेन हुआ करते थे, क्योंकि अगर एक राजा पूरी प्रजा को संभाल रहा है और पूरा प्रदेश संभाल रहा है तो उसे हिसाब किताब रखना पड़ता था। तो उस जमाने से अकाउंट्स चले आ रहे हैं, लेकिन अकाउंटेंसी को या बुक कीपिंग को सिस्टमैटिक तरीके से शुरुआत कब हुई, 1494 में, जब एक इटालियन मर्चेंट लुका डी बार्गो पैक्योली ने एक अकाउंटिंग बुक कीपिंग का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रिंसिपल या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अभी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है बेटा, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल क्या पढ़ते हैं हम लोग, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ गया तो आज का लेक्चर आपको समझेगा। बुक कीपिंग है क्या, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आप पूरे दिन में, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, कोई भी बिजनेस करते हो, बड़ा बिजनेस करते हो, छोटा बिजनेस करते हो, ठीक है, पान की टपरी चलाते हो, ठीक है, या टेक्सटाइल्स का बिजनेस करते हो, कोचिंग क्लास चलाते हो, लाइब्रेरी चलाते हो, स्कूल चलाते हो, ठीक है, आपका स्नैक्स का बिजनेस है, आपकी मिठाई की दुकान है, ठीक है, आपका चश्मे का शोरूम है, आपका घड़ी का शोरूम है, आपका बाइक्स का शोरूम है, आपका कार का शोरूम है, ठीक है, आप जो भी बिजनेस करते हो आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, आप हिसाब किताब रखोगे, और हिसाब किताब में क्या रखोगे, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यवहार, कोई भी व्यवहार करना, ठीक है, पैसा लेना, पैसा देना, माल खरीदना, माल बेचना, लाइट बिल भरना, टेलीफोन बिल भरना, ठीक है, वर्कर्स को सैलरी देना, रेंट पे करना, बिजनेस का रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाना। कोई हमारे शॉप पे या कोई हमारे ऑफिस में आएगा, उसको चाय वगैरह हम पिलाते हैं तो उसको रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस बोलते हैं। हर एक एक पाई का, एक एक रुपए का जब आप हिसाब किताब रखते हो, ठीक है, तो उसे हम बुककीपिंग बोलते हैं। तो बुककीपिंग क्या है, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। कहाँ रिकॉर्ड करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैसे रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिक मैनर से। अब आप बोलोगे सर सिस्टमैटिक मैनर क्या है, अकाउंट्स को लिखने का या बुककीपिंग करने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जब आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके कुछ काम करते हो तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक मैनर। कैसे भी लिख देना इज नॉट बुककीपिंग, ढंग से लिखना, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके सिस्टमैटिक मैनर से लिखना इज नोन एज बुककीपिंग। तो व्हाट इज बुककीपिंग बेटा, बुककीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बुककीपिंग एक कला है जिसके थ्रू आप डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो और सिस्टमैटिक मैनर से रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिस्टमैटिकली लिखना। अगर आप ये तीन बात याद रखो तो आपको बुककीपिंग याद रहेगा। क्या याद रखना है आपको, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिस्टमैटिकली लिखना इज नोन एज बुककीपिंग। ठीक है बेटा, ये सब कुछ पिछले लेक्चर में, मैं थोड़ा फटाफट भी बता रहा हूँ क्योंकि फिर से बता नहीं, पिछले लेक्चर में 21 मिनट्स तक बुककीपिंग क्या है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप वो लेक्चर सुनो, आपको ये वापस देखने की भी जरूरत नहीं है, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बुककीपिंग। अब फीचर किसको बोलते हैं,
जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था उसके बारे में बताया था, जैसे यहाँ एक पंखा है ठीक है, तो ये पंखे में तीन विंग्स हैं, ये पंखा वाइट कलर का है ठीक है, ये गोल घूमता है तो हवा फेंकता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके ये फीचर्स है, उसी तरह बुक कीपिंग के फीचर्स क्या है। ओके चलो, सबसे पहला काम क्या होता है बुक कीपिंग में, हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, पूरे दिन में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, नया फर्नीचर खरीदा, पुराना फर्नीचर बेचा, रेंट पे किया, एक्सपेंसेस कुछ पे किए, जो भी कुछ हमने किया, हम पूरे दिन में जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमारा बुक कीपिंग का पहला फीचर है। दूसरा, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई एम्प्लॉई है, उसका बेटा आ गया और उसने भी 12th पास किया है, वो मुझे आके पूछता है कि सर मैं आगे क्या पढ़ाई करूं, बराबर है, तो मैंने उससे बैठ के डिस्कशन किया, फिर मेरे पास में कोई मेरा एक बुक पढ़ा था जो मैं पढ़ता हूं और मुझे अच्छी लगती है वो किताब, वो बच्चे से मुझे बात करके अच्छा लगा, मैंने वो किताब उसको गिफ्ट कर दी कि ले बेटा ये तेरे लिए गिफ्ट है, ये लेकर जा तो इसको पढ़ना तेरे लिए अच्छा होगा। अब ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, मैंने उसको मेरा पर्सनल बुक गिफ्ट किया, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है, जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है और जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस से जुड़ा है, जो मैंने बिजनेस के लिए किया और उसमें पैसा इन्वॉल्व है, वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। जब तक कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन ना हो और वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ना हो, उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ये आपको याद रखना है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऐसा ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, उस ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। नेक्स्ट, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक साल, मतलब हम अकाउंट्स को एक साल के लिए मेंटेन करते हैं। अब एक साल मतलब क्या, आपको पता होगा बेटा, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या, हम लोग जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, 1 जनवरी को साल शुरू होता है, हमारा कैलेंडर हम देख सकते हैं, 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, तो उसे हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। बिजनेस के लिए होता है फाइनेंशियल ईयर, या उसको अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं हम लोग। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। जैसे अभी ये क्या चल रहा है, 1 अप्रैल 2022 से नया साल शुरू हुआ, 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, तो जैसे कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, वैसे फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च। तो हम हर साल अप्रैल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नए शुरू करते हैं और 31 मार्च को खत्म करते हैं। अब आप बोलोगे सर एक साल रिकॉर्ड मेंटेन करके बंद कर देते क्या, नहीं, हम एक साल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। हम एक साल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, फिर उन अकाउंट्स को वापस से कंटिन्यू करते हैं दूसरे ईयर में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने हमारे क्लास में एडमिशन लिया 11वीं में, तो हम आपका 11th स्टैंडर्ड का पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके पेरेंट्स का नाम, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो ठीक है, आपने कितनी फीस पे की है, कितना फीस आउटस्टैंडिंग है, हम सारा रिकॉर्ड्स, आपको स्टडी मटेरियल दिया या नहीं दिया, आपका अटेंडेंस, सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। आपका 11th स्टैंडर्ड पूरा हो गया, आपने 12th में एडमिशन लिया, तो हम लोग फिर से आपका नया रिकॉर्ड बनाएंगे। हम फिर से आपका, अब 11th का रिकॉर्ड वो सेव हो गया अलग से, हम आपका 12th का रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे और हम फ्यूचर में कभी भी इसे रेफर कर सकते हैं ठीक है, यूज कर सकते हैं। तो हर साल का अकाउंट्स मेंटेन होता है, तो अकाउंट्स बुक कीपिंग इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर 1 ईयर। आपको समझ में आया, बुक कीपिंग बिजनेस के डे 1 से, जब तक बिजनेस आप खत्म नहीं करते, बंद नहीं करते, जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, मतलब अकाउंट्स या बुक कीपिंग लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन हम उन्हें इंस्टॉलमेंट्स में मेंटेन करते हैं, एक एक साल के पीरियड के हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं। तो अकाउंट्स या बुक कीपिंग इट इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ठीक है, रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला 1494 में लुका डी बार्गो पैक्योली ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। लेकिन 1494 में जब उन्होंने अकाउंट्स या बुक कीपिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उस जमाने में ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते थे, उस जमाने में खाली माल खरीदा जाता था और बेचा जाता था। आज के जैसा नहीं है, इतना एडवर्टीजमेंट, इतनी पब्लिसिटी, इतना कंपटीशन, इतने सारे बिजनेसेस और उसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस, इतने अजीब अजीब तरह के ट्रांजैक्शंस। आज ई कॉमर्स आ गया, आप ऑनलाइन खरीदते हो, ये सब उस जमाने में नहीं था। तो उस जमाने में उन्होंने जो अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस किया या बुक कीपिंग का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वो बहुत सिंपल था। फिर उसके ऊपर रिसर्च किया गया, बहुत सारे स्कॉलर्स ने उसके ऊपर पढ़ाई की, अंडरस्टैंडिंग लाया, उन्होंने नए नए सिस्टम निकाले, तो
तो धीरे 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 इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते गए। आज जब आप बुक कीपिंग करते हो तो बुक कीपिंग करने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो बुक कीपिंग किसके बेसिस पे होता है? इट इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आपको बुक कीपिंग करनी है तो बुक कीपिंग के कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, आपको उन्हें फॉलो करना है, रिकॉर्डेड साइंटिफिकली। अब साइंटिफिकली क्या होता है? देखो, एक होता है कुछ भी कर देना और एक होता है एक तरीके से करना। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे आप मेरे पास में आते हो और आपने मुझे बोला कि सर आप इतने क्वालिफाइड हो, आप मुझे ये बताओ कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा एक काम करते हैं, मैंने आपके सामने 5-6 कार्ड्स, छोटे छोटे कार्ड्स प्लेस कर दिए। एक पे लिखा CA, एक पे लिखा CMA, एक पे लिखा CS, एक पे लिखा लॉ, एक पे लिखा MBA, एक पे लिखा स्टॉक मार्केट। ऐसे 5-6 कार्ड्स प्लेस कर दिए। आपको बोला बेटा कोई भी उठाओ, आपने उठाया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे और कोई भी एक उठाया, सर CA आया, मतलब बेटा CA कर ले। ये साइंटिफिक तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। समझ में आ रहा है? साइंटिफिक तरीका क्या है? ठीक है, मैं आपके इंटरेस्ट पूछूंगा, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखूंगा, आपके कुछ टेस्ट लेंगे, या आजकल तो बायोमेट्रिक पे भी कुछ टेस्ट होते हैं, हमारा थंब इंप्रेशन या फिंगर्स के पूरे इंप्रेशन लेते हैं और उसके बेसिस से बताते हैं कि हमारा इनर एबिलिटीज क्या है। तो हम कुछ प्रोसीजर्स करेंगे, पहले आपको समझेंगे एंड देन आपको गाइड करेंगे। ये साइंटिफिक तरीका है। तो किसी भी काम को करने का तरीका होता है, एक उसको समझने का एक तरीका होता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको समझना रहता है, फिर कुछ डिसीजन लेने रहते हैं, कुछ काम करना होता है, उसको हम साइंटिफिक तरीका बोलते हैं। तो बुक कीपिंग भी जैसे आपके मन में आएगा आप कुछ भी कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। बुक कीपिंग करने के लिए आपको एक तरीका है, उस तरीके से ही काम करना है। तो हम बोलते हैं कि बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? साइंटिफिकली रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया? ओके, नाउ एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको। बुक कीपिंग के फीचर्स क्या है? डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। बुक कीपिंग लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन उसे हम पीरियड्स में मेंटेन करते हैं। तो इट इज मेंटेन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, दैट इज 1 ईयर। ठीक है, इसे रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं? हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। और ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? साइंटिफिकली रिकॉर्ड करते हैं। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, जो बहुत ही ईजी है। और मेरे पिछले लेक्चर को अगर आपने सुना होगा तो ये सब कुछ उसमें कवर्ड है बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मकसद। किसी भी काम को करने का एक मकसद होता है। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मकसद है, आप मुझे सुन रहे हो, हमारा मकसद है, आप सुबह उठ के कॉलेज जाते हो, एक मकसद है। ठीक है, हर काम को करने के पीछे हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई मकसद होता है। तो बुक कीपिंग के पीछे क्या मकसद है? कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस करने का, हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स का हमें क्या चाहिए? कंप्लीट पूरा रिकॉर्ड चाहिए। और एक्यूरेट रिकॉर्ड मतलब एकदम परफेक्ट। अगर कोई मुझे पूछे कितना पैसा बाकी है तो मैं उसको बताऊंगा 39,751 रुपीज। एक रुपया भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, भाई इतना तेरा पैसा बाकी है। तो मुझे मेरे बिजनेस का पूरा रिकॉर्ड चाहिए और एक्यूरेट रिकॉर्ड चाहिए। ये मेरा पहला मकसद है बुक कीपिंग का। दूसरा, रिकॉर्ड है डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। मेरे पास जो रिकॉर्ड होगा वो दो रिकॉर्ड्स होने चाहिए, मतलब रिकॉर्ड एक ही है लेकिन उसमें मुझे दो बाइफरकेशन चाहिए, एक डेट वाइज चाहिए और एक अकाउंट वाइज चाहिए। जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे, डेट वाइज रिकॉर्ड के लिए जर्नल होता है और अकाउंट वाइज रिकॉर्ड के लिए लेजर होता है। आप बोलोगे सर जर्नल क्या है, लेजर क्या है? बेटा मैं बाद में पढ़ाऊंगा, फिलहाल सिर्फ आप समझो, एक ऐसा रिकॉर्ड होता है, एक ऐसा रजिस्टर होता है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मतलब आज, ठीक है, आज के दिन सुबह मैं बिजनेस चालू करता हूँ, आज सुबह से लेकर शाम तक जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे मैं सीरियली उनको रिकॉर्ड करूंगा। इतना माल खरीदा, इतना माल बेचा, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, ये ट्रांजेक्शन हुआ, वो सीरियल वाइज जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता गया मैं रिकॉर्ड करता जाऊंगा, उसको हम बोलते हैं डेट वाइज रिकॉर्ड। और एक होता अकाउंट वाइज रिकॉर्ड, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कस्टमर है मिस्टर अजय। अब अजय आता है और बोलता है भाई मैंने आपको ना 15 तारीख को पैसा दिया था, 15 जुलाई को, कितना दिया था जरा बताओ। ठीक है, अब मैं परेशान हो जाऊंगा, मेरे पास जो डेट वाइज रिकॉर्ड है उसे पन्ने घुमाता रहूंगा मैं, पेजेस पलटी करता रहूंगा, पेजेस घुमाता रहूंगा, और फिर 15 तारीख में किधर जाके ढूंढूंगा, उधर मुझे पता चलेगा अजय ने मुझे 15,000 रुपये दिया था। इतना टेंशन क्यों चाहिए? हम जो डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसके अलावा एक बुक होती है जिसमें हम अकाउंट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हर चीज़ का अकाउंट, अजय का अकाउंट, विजय का अकाउंट, सुजय का अकाउंट, सुमित का अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट, पोस्टेज का अकाउंट, टेलीग्राम का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, हर एक्सपेंसेस का, हर इनकम का, हर एसेट का, हर लायबिलिटी का, हर कस्टमर का, हर सप्लायर का, हर किसी का हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे अजय आके मुझे पूछता है भाई कितना पैसा दिया था, अजय का अकाउंट खोला मैंने और बताया भाई तूने 15 तारीख को 15,000 रुपये दिया था, बात खत्म। तो हम रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं, हमें रिकॉर्ड्स दो तरह के चाहिए, मतलब रिकॉर्ड एक ही है
पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक ही है, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग बुक्स होते हैं। तो एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम डेट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम लोग अकाउंट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। परमानेंट रिकॉर्ड विच कैन बी यूज एज एविडेंस, ठीक है, कभी जाके आगे जाकर समझो कोई बहस हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, जैसे कोई कस्टमर है, आपने उसको बोला मेरा तेरे ऊपर 1,20,000 निकलता है, वो बोलता है नहीं मेरा तो 50,000 ही निकलता है, मैं 50,000 ही दूंगा, आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब जब आप कोर्ट में केस फाइल करोगे, केस लड़ोगे वहां पे जाके, तो जज सबूत तो मांगेगा ना, तो सबूत के तौर पे क्या पेश करोगे? आप बुक कीपिंग बता सकते हो कि मैंने बिल भेजा था, बिल रिकॉर्ड भी किया है, एंट्री भी है, इतना तारीख को पैसा आया था, इतना बाकी है, पूरा रिकॉर्ड। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, ठीक है। तो बुक कीपिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव, एक बहुत बड़ा मकसद क्या है, कि हमारे पास परमानेंट रिकॉर्ड होगा जिसे हम आगे जाकर एविडेंस, सबूत के तौर पे, प्रूफ के तौर पे यूज कर सकते हैं। हमें क्या पता लगाना है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है या हमारे बिजनेस का लॉस कितना है, वो किससे पता चलेगा? बुक। अब आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे तो पता चलेगा साल के एंड में कि पूरे साल में आपने कितना कमाया या कितना गवाया। दूसरा, आपको यह पता चलेगा कि आपके बिजनेस का एसेट्स कितना है और आपका लायबिलिटीज कितना है। एसेट्स किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टी, आपके बिजनेस का फर्नीचर, ठीक है, आपके बिजनेस का जितना कैश बैलेंस है, आपके बिजनेस का जितना बैंक बैलेंस है, आपको जितना पैसा कस्टमर्स से लेना है, आपके पास कोई प्रिमाइसेस है, गाला है, ठीक है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। और आपके ऊपर कितना कर्जा है, कर्जा मतलब क्या, आपने कितना बिजनेस, आपने कितना पैसा चुकाना है, देना है, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। तो आपको अपने बिजनेस के एसेट्स पता लगाना है और लायबिलिटीज पता लगानी है, तो किससे पता चलेगा? बुक कीपिंग। नेक्स्ट, नो वॉट वी ओव टू अदर्स एंड वॉट अदर्स ओव टू अस, मतलब हमें लोगों से लेना कितना है और हमें लोगों को देना कितना है, ये किससे पता चलेगा? बुक कीपिंग। समझ में आया बेटा? ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपेयर करंट ईयर्स प्रॉफिट विद पास्ट ईयर्स प्रॉफिट एंड कंपेयर प्रॉफिट विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस। मतलब एक साल पूरा हुआ, जैसे पिछला साल 21-22 खत्म हो गया, 21-22 का परफॉर्मेंस मेरे बिजनेस का, हम पिछले सालों से 20-21 से, 18-19 से, 19-20 से हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब इस साल का प्रॉफिट या इस साल का परफॉर्मेंस पिछले सालों के परफॉर्मेंस से हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। या अगर मैं एक लाइन ऑफ बिजनेस में हूं और मेरा कोई कॉम्पिटिटर है वो भी सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, और उसके अकाउंट्स अगर मेरे सामने आ जाए तो उसके अकाउंट्स और मेरे अकाउंट्स या उसका रिकॉर्ड्स और मेरा रिकॉर्ड्स मैं कंपेयर कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, क्या, कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना, डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज मेंटेन करना, परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना जो एविडेंस के तौर पे यूज हो सके, प्रॉफिट पता लगाना या लॉस पता लगाना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज पता लगाना, हमें किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है, और हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस, इस साल का परफॉर्मेंस पिछले साल के परफॉर्मेंस से, और हमारा परफॉर्मेंस को किसी और के बिजनेस के परफॉर्मेंस से कंपेयर करने में काम आएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का। समझ में आया बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? नेक्स्ट, गिव मी अ मिनट। ओके, अब इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। ओके, मतलब बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये इतना वैल्यूएबल क्यों है, ठीक है। पहला पॉइंट, बुक कीपिंग करने से हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। दूसरा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, मेरे बिजनेस में स्टॉक कितना है, माल कितना पड़ा है, मुझे किससे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, बिजनेस की जितनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए वो बुक कीपिंग से आपको मिलेगी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सब कुछ डिपेंड करता है एक चीज पे, और वो है डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन लेने के लिए इनपुट चाहिए, मैंने बोला था पहले लेक्चर में, वो इनपुट्स मतलब वो जानकारी कहां से मिलेगी? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। मतलब मैंने कोई नया बिजनेस चालू, मतलब मेरा एक बिजनेस है समझो, और मैंने उसमें कोई नया माल ला के बेचना शुरू किया, तो मैं ये देखूंगा ना ये नए माल से मुझे फायदा कितना हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो और मंगाना चाहिए, नहीं हो रहा है तो बंद कर दो, ये भाई फायदेमंद नहीं है, प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो मुझे कुछ भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजन लेने के लिए, वो कहां से मिलेगा? बुक कीपिंग। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ बिजनेस में गलतियां कर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, और मैं समझो मैं कपड़े बनाता हूँ, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो पहले मैं खाली कच्चा कपड़ा बनाता था, बाद में मैंने शर्ट्स बनाकर बेचना शुरू किया। अब मैं देखूंगा कि पहले मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था कि अब मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो मैंने पता लगाया तो मुझे मालूम पड़ा मुझे नुकसान होने लग गया। तो कपड़ा जब मैं बना रहा था तो मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, अब कपड़ा बनाकर मैं शर्ट बनाकर बेचने लगा तो मुझे ज्यादा मशीनरीज लगने लगा, ज्यादा बड़ा प्लांट लगा, ज्यादा सैलरीज लगी, ठीक है, ज्यादा रेंट पे करना पड़ा, ज्यादा खर्चा करना पड़ा,
और मुझे आगे जाके पता चला कि मैं नुकसान कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, शर्ट बनाकर बेचना बंद कर देना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी जगह पर हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, या कई बार ऐसा होता है कि हमें खर्चे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो हम अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम जहाँ पर गलत हमारे डिसीजन हो रहे हैं या जहाँ पर हम गलत जा रहे हैं या जहाँ पर हम अननेसेसरी खर्चे कर रहे हैं, उन खर्चों को हम कट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बुककीपिंग। एविडेंस बोल चुका मैं, ठीक है, बुककीपिंग को आप एविडेंस के तौर पे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब कभी अगर समझो आपका किसी से झगड़ा हो गया और कोर्ट में कोई मामला चला गया, तो वहां पे आप अपने सबूत पेश करने पड़ेंगे, तो आप बुककीपिंग को बता सकते हो एज एविडेंस। ओके, टैक्स लायबिलिटी, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है कैसे पता चलेगा, जब आप ये पता लगाओगे आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, और उसके लिए क्या चाहिए आपको, बुककीपिंग। तो बुककीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है, सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट लॉस एसेट्स लायबिलिटीज पता चलती है, डिसीजन मेकिंग के लिए मदद मिलता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकती है, सबूत के तौर पे, एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे इसे कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम अपनी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना है। समझ में आया। अब यूटिलिटी ऑफ बुककीपिंग, मतलब यूज कौन करता है या बुककीपिंग का यूज क्या है, पहला पॉइंट, ठीक है। ओनर, अगर मैं बिजनेस का ओनर हूं तो मुझे क्या पता लगाना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा लॉस कितना है, मेरा एसेट्स कितना है, मेरा लायबिलिटीज कितना है, तो ओनर के लिए बुककीपिंग का यूज होता है। दूसरा, मैनेजमेंट, अगर समझो मेरा, अगर मैं छोटा मोटा बिजनेसमैन हूं तो मैं ही डिसीजन लूंगा, लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरी फैक्ट्रीज है, 20-25 फैक्ट्रीज है, तो मेरी फैक्ट्रीज देखने के लिए मैनेजर्स होंगे, वो मैनेजर्स डिसीजन लेंगे, मुझे तो खाली रिपोर्टिंग करेंगे बस, डिसीजन पूरा मैनेजमेंट लेगा, मतलब जो मैनेजर्स होंगे वो लेंगे। तो मैनेजर्स को डिसीजन लेना है, बिजनेस को चलाना है, ठीक है, तो उनको जो उनको बहुत प्रेशर रहता है कि गलती नहीं होना चाहिए बिजनेस, क्योंकि वो गलती करेंगे तो मैं जॉब से फायर कर दूंगा, निकाल दूंगा उनको, उनके ऊपर प्रेशर होता है कि हमें कंपनी को प्रॉफिटेबली चलाना है। तो प्रॉफिटेबली कंपनी को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे, और डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए, बुककीपिंग। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स, ठीक है, अगर मेरी कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और लोगों को मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मतलब मेरे शेयर्स खरीदने, लोगों को मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए वो पहले ये देखेंगे मेरा बिजनेस कैसा है, मैं कितना पैसा कमाता हूँ, मेरा सेल्स कितना है, मेरा परचेस कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा लॉस कितना है, तो उनको भी क्या लगेगा, बुककीपिंग। कस्टमर्स, अब आप बोलोगे सर कस्टमर आपका अकाउंट्स क्यों देखेंगे, मान लो टाटा कंपनी आज इंडिया की सबसे बड़ी, या हम हाँ सबसे बड़ी कंपनी बोल सकते हैं इंडिया की, क्योंकि वो लोग जितना भी कमाते हैं उसका 67% चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, ठीक है। तो इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस टाटाज है, ठीक है। अब टाटा जैसी कोई बड़ी कंपनी मुझ जैसे छोटे आदमी को अगर समझो कोई ऑर्डर दे देती है, ठीक है, मुझे बोला हमें इतना माल आपसे चाहिए, ये 40 करोड़ का माल हमको आपसे चाहिए, मैंने पहले तो हाँ बोल दिया, फिर मुझे लगा रहे यार मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं तो दुकान वुकान बंद करके भाग गया। अब मेरे ऊपर अगर टाटा ने भरोसा किया है और मैं दुकान वकान बंद करके भाग गया, तो टाटास का आगे नाम खराब होगा, वो उनका कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाएंगे। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं, वो आपसे आपका रिकॉर्ड्स मांगते हैं, वो ये देखते हैं कि आप कितना बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखते हो, ताकत रखते हो, उसके हिसाब से वो पहले आपको समझते हैं और फिर आपको बिजनेस देते हैं। तो कई बार आपके कस्टमर्स भी आपका रिकॉर्ड्स यूज करते हैं। गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, तो गवर्नमेंट अगर समझो चेक करना चाहे कि आपने टैक्स बराबर पे किया है कि नहीं, तो कहां से पता करेंगे, आपके बुककीपिंग से, ठीक है। लेंडर्स जो आपको लोन देते हैं, अब लोन, अब समझो मैं बैंक में चला गया और मैंने बोला मुझे 40 करोड़ का लोन चाहिए या मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, अच्छा 100 करोड़ चाहिए ले लो, ऐसा करेंगे नहीं, वो पहले देखेंगे मैं 100 करोड़ रीपे करने की ताकत रखता हूं कि नहीं, मेरा बिजनेस उतना अच्छा है कि नहीं, मैं उनको उनका पैसा लौटा सकूंगा कि नहीं, वो कहां से पता चलेगा, बुककीपिंग। समझ में आया। और अगर आपको अपने बिजनेस को डेवलप करना है, आपके बिजनेस को बढ़ाना है, आगे ले जाना है, तो उसके लिए भी क्या लगेगा, बुककीपिंग। क्यों, बुककीपिंग के बेसिस पे आप अच्छे डिसीजंस लोगे और आप अपने बिजनेस को डेवलप करोगे। समझ में आया। ओके, तो एक बार और देख लेते हैं कि इसका यूज कौन करता है। ओनर्स, ठीक है, समझने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैनेजर्स, डिसीजन मेकिंग के लिए। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्ट करने से पहले समझने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। कस्टमर्स, इसको ऑर्डर देना है या नहीं वो डिसाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट, टैक्स बराबर भरा कि नहीं वो समझने के लिए। लेंडर्स, लोन देना है या नहीं वो समझने के लिए, और बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इन पर्पस के लिए हम लोग बिजनेस, इन पर्पसेस के लिए या इन यूजेस के लिए हम बुककीपिंग को यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बुककीपिंग यहाँ पे खत्म हुआ। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, आपके सब्जेक्ट का नाम है बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुककीपिंग मैंने पूरा कर दिया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा अकाउंटेंसी होता क्या है और बुककीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या फर्क है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो हमारे साथ बने रहे,
हमसे जुड़े रहे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आगे और लेक्चर्स को एंजॉय करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।